असलम फ्रेंड्स बायोलॉजी नॉलेज एक्सपर्ट एम्सक्यूस इसके अंदर मल्टीपल एम्सिक्यूस करेंगे हम नंबर वन दिटामिन विच प्रिवेंट इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज़ वाइटामिन ए नंबर टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेट बाई पेंक्रियाज पेंक्रियाज कौन सा एंजाइम का सिक्रेट करता है ट्रिप्सिन ए बी सी ये जो तीनों हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं नंबर थ्री बाइल सिक्रेशन अकर इन यूमैन बाइल की सिक्रेशन कौन करता है हमारी बॉडी का ऑर्गन लीवर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस इन इन तीनों की डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव पार्ट के कौन से ऑर्गन में हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाकर मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन द बॉडी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिशू येलो कलर ऑफ ऑइस यूरिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिन का कलर येलो क्यों शो होता है यूरोक्रोम की वजह से प्रेजेंस की वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज बाय प्रोटीन डेफिशियंसी प्रोटीन की डेफिशेंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है क्वाईस इसके अंदर पेट फूल जाता है और मैरासमस कौन सी डिजीज होती है जिसके अंदर बॉन्स नजर आने लगती है बॉडी से मसल से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके इन चार ऑप्शन में से हाँ? हार्ट नंबर टेन विच मसल्स हैज कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करती है एक्टिन एंड मायोसिन टूट इनेमल इज मेडॉफ टूट जो हमारे सबसे हार्ड कवरिंग है इनेमल वो किससे मिलके बनी है कैल्शियम फॉस्फेट द लेंथ ऑफ द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री केनाल भी कहते हैं अडल्ट इन ह्यूमेन एक अडल्ट के अंदर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसकी लंबाई कितनी होती है नाइन मीटर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन सलाइवा हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है अमाइलस विच इज द सेल डेट कॉज डिजीज लिम्फोसाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एंड यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप बट ओ नेगेटिव इज रेयर नॉर्मल मैन ब्लड इज ब्लड का जो पीएच लेवल होता है सेवन पॉइंट फोर होता है सेवन के बाद जो स्केल होता है बेसिक में जाता है अल्कलाइन प्लस इसलिए लिखा गया है इसको क्योंकि ब्लड वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है विच ऑफ दीज कम्पोनेंट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन चारों में से कौन सा है जो ऑक्सीजन को कर ट्रांसपोर्ट करता है आर बी सी इंडिकेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड इसकी इमिया स्कीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई ना रेड्यूस हो जाती है और आर्टरीज जो हैं ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं विच वैन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड से मराद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इन द हार्ट कौन सी वैन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी वैन विचर ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम लंग्स लेफ्ट आर्ट्रियम लंग्स से ब्लड जो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास आता है कौन सी वैन लेके जा रही थी पल्मूनरी वैन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल पॉसिस थीक मस्कुलर प्रोजेक्शन दे आर नॉन एज वेंट्रिकल्स के जो थीक्स मसल्स होते हैं उस पर प्रोजेक्शन प्रेजेंस होती है कोलमिया कर्निया के नाम से ई सी जी इलेक्ट्रोकार्डियम वॉज डेवलप फर्स्ट बाय विलियम एंथोवेन दाइंस रिलेटेड टू द हार्ट एंड देयर डिजीज इस नॉन एज हिमाटोलॉजी ब्लड की स्टडी को कहते हैं हार्पिटोलॉजी एम्फीबियंस एग्जाम्पल फ्रॉक्स की स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी कार्डियो से वर्ड जो निकला है हार्ट ही है तो हार्ट की स्टडी को कहते हैं जितनी भी बीमारियाँ होंगी कार्डियोलॉजी में स्टडी करेंगे ऐसे नोड इज लोकेटेड इन ऐसे नोड कहाँ लोकेट करती है अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट आर्टियम के पास वॉट इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट पम्पिंग द ब्लड एफेक्टली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी हमारा जो ब्लड होता है बॉडी का प्रॉपर वे तक नहीं पहुंचाता बॉडी पार्ट्स तक तक क्या हो जाता है हमारा हार्ट फेलर मतलब वो सही तक नहीं काम कर रहा है और सही से पार्ट्स को नहीं पहुँचाता बॉडी के तो इन में से क्या होगा हार्ट है स्ट्रोक हमारी ब्रेन की बीमारी को कहते हैं जब स्ट्रोक हो जाता है हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तब कहा जाता है योर टेस्ट प्रैक्टिस विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंजाइम इन सिलाईवा विच ऑफ़ दिस कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्लीज राइट आंसर इन कमेंट